नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका आने वालों की जांच और कड़ी करने के दिए आदेश, देश की सुरक्षा का दिया हवाला। ट्रंप की वीजा प्रतिबंध के फैसले पर वॉशिंगटन की अदालत लगा चुकी है रोक। संयुक्त राष्ट्र में आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध को लेकर भारत को मिला अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का साथ। मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के लिए यूएन में प्रस्ताव किया पेश, चीन ने किया विरोध। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ओवैसी ने रखे विचार। सुरक्षा परिषद सुधार की दिशा में प्रगति लाने का किया आग्रह, बदलाव से अलग रहने और व्यवस्था बहाली का ढांचा नहीं होने पर चेताया। अफगानिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय भवन की पार्किंग में आत्मघाती हमला, 20 लोगों की मौत, 38 से ज्यादा जख्मी। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। 4 महीने के अंदर सऊदी अरब ने 39,000 पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश से बाहर निकाला। वीजा नियमों के उल्लंघन और आतंकी गतिविधियों में आरोपी पाए गए ये लोग। कुछ पाक नागरिकों पर आईसिस के समर्थक होने का है आरोप। और पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता, जानमाल का कोई नुकसान नहीं। ये तो हुई अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां खबरें लगातार।